फ्रेंड्स, लाल साग भाजी या चौलाई साग के भाजी आपने बहुत तरीके से खाए होंगे। एक बार इस तरह से बनाकर खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ साग ले लिया है, लाल वाली चौलाई का साग। और इससे पहले जितना भी खराब पत्तियां है हमें चुनकर फेंक देना है। फिर हम इसे छोटा छोटा करके इस तरह से काटेंगे। काटने के बाद बहुत सारा पानी लेके इसे 2-3 मिनट भिगो के रखना है। और फिर इसे इस तरह से 4 से 5 बार अच्छे से धो लेना है। इसके बाद मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद गैस को हम कम कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च, तोड़ के डाल दिया है। थोड़ी सी जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी राई ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा चटकने देंगे तो ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी लहसुन को कूट लिया है। सारे लहसुन डाल देंगे और लहसुन का कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 3 हरी मिर्च को छोटा छोटा करके काट लिया। इसे भी थोड़ा लहसुन के साथ में मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लिया है। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को पतला पतला करके काट लिया है। प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें कलर चेंज होने तक ही फ्राई करनी है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है। देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और थोड़ा पिंकिश हो गया है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को फ्राई नहीं करनी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज के टमाटर को छोटा छोटा करके काट लिया है। सारे टमाटर को डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच नमक। अच्छे से इसे मिलाएंगे। टमाटर डालने के बाद अगर आप नमक डालते हो तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी नरम हो जाते हैं। अच्छी तरह इसे हमने मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी मसाला ऐड करेंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच चीनी या शुगर मैंने ऐड किया है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पसंद है तो ऐड करें, पसंद नहीं है तो ऐड ना करें। 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और मसाला को हमें अच्छे से भून लेना है। 1 चम्मच चीनी डालने से सब्जी मीठा नहीं होता। ये जो टमाटर साग ये थोड़ा सा खट्टा होता है तो टेस्ट को बैलेंस करते हैं। गैस को कम कर देंगे और थोड़ी देर के लिए मसाला को हम ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन को हटाएंगे और चेक करेंगे। देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। एक बार मिला लेंगे इसे। क्योंकि हम चटपटा साग की सब्जी बना रहे हैं तो ये सब मसाला मैंने ऐड किया और एकदम से थोड़ा अलग से ही बना रही हूँ। अब हम इसमें सारे साग डाल देंगे। साग को धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। साग डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। अगर कढ़ाई आपका छोटा है तो थोड़ा थोड़ा डालें, जैसे ही थोड़ा कम हो जाए फिर आप इसमें साग डालें। तो ये देखिए साग कम हो गया, बाकी सारे साग को हमें डाल देना है और गैस को हाई फ्लेम में रख के साग को हम अच्छे से मिलाएंगे। इस तरह से बनाएंगे ना तो साग खाने में सच में बहुत टेस्टी होता है। तो इससे पहले हमने 2 छोटा चम्मच नमक डाला था, अभी हम थोड़ी सी नमक और ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक आप ऐड करें। पहले हमने टमाटर मसाला के समय थोड़ा सा नमक ऐड किया था। नमक मिलाने के बाद अच्छी तरह साग को मिला लेंगे। अब हम गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे ढक ढक के पकाया है और बीच बीच में हमें पलटा चलाते रहना है ताकि साग जल ना जाए। ढक्कन को हटाएंगे और थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर इस समय और ऐड करेंगे और साग के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए साग हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। रोटी या राइस के साथ इस साग को खा के देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।